मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अश्वनी वैष्णव मुर्दाबाद, अश्वनी वैष्णव मुर्दाबाद, यू आई डी आई मुर्दाबाद। जूते मारेंगे हम तो गलियों से भगा भगा के मारेंगे बीजेपी वालों को। आधार वालों के साथ इतना गलत हो रहा है, सरकार कहां सो रही है हमें तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि गलत आधार कार्ड बना दिए गए हैं, फ्रॉड बहुत सारी। नहीं सर, ऐसा नहीं है, गलत आधार बना दिए गए हैं, कुछ होंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि सब ऑपरेटर्स एक जैसे हैं। पहली बात तो ऑपरेटर्स ने कुछ ऐसा काम किया नहीं है, अगर किया भी है तो उनको सजा मिली है ना। जिनको सजा मिली है तो फिर सबको सजा क्यों दी जा रही है? क्या देश में जरूरत नहीं है क्या आधार कार्ड बनाने की, डिजिटल लाइसेंस कराने की? क्यों नहीं है सर, बिल्कुल है। बल्कि यूआईडीआई ने तो दोबारा से कर दिया है कि आप 10 साल बाद अपना आधार कार्ड अपडेट कराइए, तो उसको अपडेट करने के लिए भी तो आधार कार्ड ऑपरेटर की ही जरूरत पड़ेगी, जो वो इन हाउस कर रही है या उसको बंद कर रही है या सस्पेंड कर रही है, तो क्यों कर रही है? डिजिटल इंडिया बना दिया मोदी जी, कहते हैं डिजिटल इंडिया। मोदी जी अपना नाम कमा गए डिजिटल इंडिया, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया, लेकिन हम लोगों ने आधार बनाया। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया और मार्च में कोरोना गया, इन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये खेल खेला सरकार ने। मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दोबारा वोट मांगने आओगे ना तो जूते खा के निकलोगे गलियों में से, जूते खा के। ये आधार ऑपरेटर है, ये युवा है, अग्निवीर बनने पे मजबूर ना किया जाए। अगर अग्निवीर बन गए तो देश का हालत खराब हो जाएगी। अभी भी समय है, समय रहते बचा लीजिए। जो सरकार है वो हमारे साथ इतना अन्याय कर रही है, हम घर से सुबह छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं। आप यकीन मानो मेरी 8 महीने की गुड़िया है जिसको मैं छोड़ के घर पे आई हूँ। आप सोचो मैं किस वजह से आई हूँ यहाँ, मैं कितनी परेशान होंगी जो मैं अपनी 8 महीने की बच्ची को छोड़ के आई हूँ। अब सैलरी नहीं मिल रही है तो घर कहाँ से चलेगा, आप बताइए। अभी आधार कार्ड बना रहे हैं अभी आप अपने सेंटर पर? सर अभी मेरा बंद कर दिया गया है, क्यों? मैं सैलरी बार बार मांग रही थी तो कंपनी बोलती आप यहाँ से छोड़ दीजिए। कंपनी को अब हम बोलेंगे तो हमें सैलरी दो तो बोल देते हैं दूसरा ऑपरेटर यहाँ पे तैयार है, ठीक है, तो वो दूसरा ऑपरेटर रख लेते हैं, तो हम उसके आगे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से हमें काम भी करना पड़ता है। सोचते हैं बच्चों का भी पेट पालना है, किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जुर्माना भी भरो सैलरी भी कटवाओ, तो आप कुछ नहीं हो, आपकी कोई पहचान नहीं है। हम सबको पहचान दिए लेकिन हमारी अब कोई पहचान नहीं है, हमें पहचान चाहिए, हमें भी अपनी पहचान चाहिए। जब हमने सबको पहचान दिया तो हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए, हमारी भी जैसे सबकी, हम बैंक में एम्प्लॉयज़ हैं सब हैं, तो हम भी एक ऑपरेटर्स हैं वहाँ पे, हमें भी मिलना चाहिए जिस प्रकार से दूसरे एम्प्लॉयज को मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। सर घर कैसे चल रहा है? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं हम लोग भी, हस्बैंड कुछ करते हैं, कुछ हम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो भी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कंपनी सैलरी देगी। तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी। सर हम आधार अल्लाह बोल के लिए इसीलिए आए हैं, जो आधार ऑपरेटर्स का शोषण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। शोषण कैसे हो रहा है आपका? आपको आधार कार्ड बना दें। आधार कार्ड हम दूसरों को पहचान दे रहे हैं और हमारी पहचान हमसे छीनी जाइए, इसीलिए हम पूछने आए हैं कि हमारी क्या पहचान है और ये जो शोषण हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ऑपरेटर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, टाइम पे सैलरी नहीं दी जा रही, तो ये सब क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया को डिजिटल करेंगे, तो डिजिटल करने वालों को ही, डिजिटल करने वाले कोई आप हटाए जा रहे हो तो इंडिया कैसे डिजिटल होएगा? तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा शोषण हो रहा है इसको बंद किया जाए, टाइम टू टाइम सबको सैलरी दी जाए, ब्लैकलिस्ट बंद किया जाए। तो रीजन बता होगा कि जो आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है? कोई रीजन नहीं बताया जाए, जब भी हम फोन करते हैं किसी के लिए, लास्ट टाइम पिछले मंथ जो है 4-5 ऑपरेटर्स की सैलरी कटी है, तो उनका मैंने भी बात की यूआईडी NICT ऑफिस से कि भी सर कहीं भी किसी की कोई तो एक गलती होगी, अगर आप एरर निकाल रहे हो तो एरर जिस वजह से निकाल रहे हो तो वो एक्सप्लेन करो, आप जो मेल कर रहे हो ऑपरेटर को तो पता होना चाहिए कि हम ये गलती कर रहे हैं, सेंड बैक ऑप्शंस दो बंदे को, बताओ तो सही कि यहाँ ये गलती कर रहे हो। सरकार से आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही थी जो अब खत्म कर दी गई हैं? कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमें, तो कोई मानदेय वगैरह मिल रहा हो? मानदेय वेतन हाँ, हमें वजह से सैलरी दे रहे हैं 3-6 महीने से 4 महीने से, वो सैलरी तो दे रही है। कितने ऑपरेटर हैं? करीब 2 लाख ऑपरेटर हैं। क्या काम नहीं बचा है जो आधार कार्ड बनाने का देश में? आधार कार्ड का यही तो है ना, अभी जो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट अभी 2023 से हटाएंगे, तो ये क्यों किया जा रहा है कि आधार का भी कोई काम नहीं होएगा आगे, आधार से जैसे सब काम हो रहा है। जी आप कहाँ से आई हैं? सर मैं करनाल से आई हूँ। सर मैं, हमारा मुद्दा सबका यही है कि जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको हम सहन नहीं करेंगे। अब
इनके कार्य क्षेत्र में जुर्माने आते हैं। जो जुर्माना 25 रुपए था उसको 1000 कर दिया गया है, जो जुर्माना 1000 रुपए था उसको 10000 कर दिया गया है। और अगर किसी की फोटो मिसमैच है, किसी का डॉक्यूमेंट्स पुराना है, स्कैनिंग ठीक से ना हुई, इनका एरर आ जाता है, उसके 25 रुपए जुर्माना होता था पहले। तो ये जुर्माना आपको देना पड़ता सर? हाँ जी सर, मेरे 21 हैं, 9000 रुपए सैलरी है मेरी, 21 हैं, और मुझे 12000 रुपए अब UIDA को देने हैं। उल्टे आपको देना? हाँ, एक महीना काम करके। काम भी खुद ही करो और पैसे भी उनको, जुर्माना भी खुद ही भरो, तो मतलब ना सैलरी है उल्टा जुर्माना भरो। वही तो हम समझाना चाह रहे हैं, जब आधार के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तो हम आधार कार्ड वालों का भी कुछ होना चाहिए ना। दूसरी कंपनी आ रही है कोई आपके स्थान पर? नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो खुद ही सस्पेंड कर रहे हैं, वो खुद ही कर रही हैं। कोई रीजन नहीं दे रहा, उसी बात का हमें सबसे बड़ा दुख है कि हमें कोई रीजन भी नहीं बताया जाता, बस पैसे मांगने होते हैं उन्होंने, दूसरे ऑपरेटर लगाने होते हैं, पैसे मांगने होते हैं। ये दिक्कत कब से आई है? सर ये शुरू से ही है, लेकिन ऑपरेटर सहन करता जा रहा है, अब कब तक करेगा, कब तक करेगा, एक ना एक दिन तो उसको आगे आना पड़ेगा, अब बोलेंगे तो कुछ हो पाएगा हमारा भी। सर आप लोग हमारी आवाज़ को आगे भेजेंगे तो जरूर सरकार हमारी बात सुनेगी, और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी बातों को मानेगी। अभी तक आपने कहाँ कहाँ आंदोलन किया है, कहाँ कहाँ दरखास्त लगाई अपने लिए? तो सर हम यहीं पे आए हैं, पहले भी हमारे एक दो प्रदर्शन हो चुके हैं, चंडीगढ़ में भी हमने किया है, और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारा लगातार चलता रहेगा। आजकल आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं बन रहे हैं। तो फिर लोग कैसे जुड़ेंगे आधार कार्ड से? सर वो तो सरकार देखेगी ना, तो हम अपने पूरे ऑपरेटर्स को बोलेंगे कि जहाँ भी कोई भी अपनी आईडी चला रहा है उसको बंद कर दिया जाए और आधार कार्ड नहीं बनाया जाए। सर सरकार का पूरा हाथ है इसमें, सरकार ही हमारे साथ अन्याय कर रही है, और अगर सरकार चाहेगी तो हमारे साथ अच्छा कर सकती है, क्योंकि सरकार के बिना कोई भी कोई कंपनी है, एजेंसी या कुछ भी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा सर। अगर सरकार चाहेगी तो वो हमारी फिक्स सैलरी बना सकती है। रोजगार छीना जा रहा है? बिल्कुल रोजगार छीना जा रहा है सर। अगर हमारी सरकार चाहे तो सरकार सोच सकती है हमारे बारे में, हमें सैलरी की फिक्स सैलरी दे ही जा सकती है, और हमारा जो एक पर्टिकुलर वे है वो बनाया जा सकता है आधार ऑपरेटर। सर सरकार के पास पैसा भी है, सरकार पे बस सरकार ये सोचती है कि हमारा काम पूरा हो चुका है, सब जो जनता है उनका आधार कार्ड बनाया जा चुका है, तो अब हमें आधार कार्ड पैदा नहीं हो रहे, उनका आधार कार्ड नहीं बना। तो सर उसके लिए वो सोच रही है कि हम कम से कम रखें, तो जो हम इतने काम किए हैं, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमने इतने साल आधार कार्ड को दिए हैं, अगर हम आधार कार्ड में नहीं जाते तो अच्छी नौकरी के लिए प्रयास कर सकते थे, हम पढ़ सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, हमारा भविष्य तो खराब करा गया ना, अब हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम पढ़ते, हम कोई अनपढ़ बंदे नहीं है सर, हम सब एजुकेटेड है, मैं खुद MCOM पास हूँ सर, और मैंने खुद आधार का एग्जाम पास करके मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आधार बैठ जाते हैं। पहले बेरोजगार कर दिए गए हैं आप? बिल्कुल बेरोजगार कर दिए गए हैं सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम चाहते हैं हमारी सुनवाई हो, हमारे अपने लेवल की अच्छी जॉब दी जाए, और हम तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी सैलरी फिक्स की जाए। अग्निवीर क्या सर, वो सर ये सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है सर, मेरे हिसाब से तो जो सरकार ये बोल रही है कि आधार कार्ड के बेस पे हम करप्शन को दूर कर रहे हैं, और आधार कार्ड के वालों के साथ ही करप्शन किया जा रहा है, तो आप सोचिए ना करप्शन कहाँ हट रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, वो हम लोगों को, ऑपरेटर्स को और लोगों को, दूसरों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो गलत करें। सरकार को फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ रहा है, अगर उनको कोई फर्क पड़ेगा तो वो हमारी बात सुनेंगी सर। सर फर्क पड़ेगा सरकार को, जब हमारी यूनियन की एकता उनको दिखेगी तो उनको जरूर फर्क पड़ेगा। वोट देते हैं सर, लेकिन वही बात है सर, वोट ले लिया झूठ बोल के या कैसे भी, अब जो बात हो रही है ऑपरेटर की सुनवाई आगे, वोट दोगे सरकार को? नहीं जी नहीं सर, देखो देखो अगर हमारी सुनेगी तो देंगे, अगर नहीं सुनेगी तो हम क्यों देंगे, तो आप मुझे नहीं लगता सर सुनेंगे, अगर सुनेंगे तो हम उनके साथ हैं। आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है सरकार, तो सर अगर सरकार हमारी सुनेगी तो हम उनके साथ हैं, और अगर नहीं सुनेगी तो हम उनके साथ नहीं हैं। मोदी जी बीच बीच में कहने पकोड़े भी बना लिया करो। हाँ पकोड़े, तभी तो सर अब यही तो चाहते हैं कि आधार वाले जाके पकोड़े बनाएं, अब बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो सर, हम लेडीज हम सिलाई भी कर सकते हैं घर बैठ के, है ना, आत्मनिर्भर ही बनी वही सरकार ये कहना चाहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल हम सरकार कहती है DBT डिजिटल इंडिया डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो आधार बना रहा है क्या उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर का अधिकार मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। राम मंदिर भी
राम मंदिर से होगा क्या? ठीक है, वो श्रद्धा है हमारी, विश्वास है, लेकिन राम मंदिर से रोजगार नहीं चलता। राम मंदिर से रोजगार नहीं चलता सर। राम मंदिर बनने से हमारे घर में पैसा नहीं आएगा, हमारे बच्चों का ध्यान दे रही है इतना उधर सर। सरकार का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से है, और वो हम होने नहीं देंगे सर। हम हिंदू मुस्लिम करने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम अपने मुद्दे पे लड़ने आए हैं। हम आधार ऑपरेटर है, हमारी यूनियन है, हम उसको आगे बढ़ाने आए हैं और हम अपनी मांगों को मनवाने आए हैं। डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमें थोड़ी पता था कि हमारे पेट पे लात मार के डिजिटल इंडिया बनाएंगे। और सरकार थोड़ी पता था, हमें लगा था कि सरकार हमारी सुनेगी, हमें तो ये पता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या पता था, ये तो हमें दिल्ली में कितने दिन का सर? अनिश्चित काल के लिए हमारा ये धरना रहेगा, ये एक दिन या दो दिन में खत्म। यहाँ तो लोग आते हैं रसम अदा करके चले जाते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे सर, ऐसा नहीं होगा सर, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पर बैठे हैं सर। अगर सरकार चाहती है आने वाले समय में भी वो बनी रहे, देखो सब अपने सरकार कहाँ चाह रही हो तो आपको खत्म कर रही है, ब्लैक लिस्ट हमें खत्म कर रही है। दूसरे और भी लोग हैं, आशा वर्कर्स हैं, और है तो एक ना एक दिन तो उनको भी झुकना पड़ेगा ना सर। हमारे साथ हमारे पेट पे लात मारी गई है ना, तो अब सरकार का भी टाइम आएगा। 2024 ज्यादा दूर नहीं है सर, सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, नहीं सोचेंगे तो जूते खाएंगे सर, कोई भी टाइट हो। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, यहाँ बात है इंसाफ की। हाँ जी, बात है इंसाफ की और बात है इंसान की। हमारी गलती क्या है? रोजगार की, हमारे रोजगार किया है सर। अगर कोर्ट किसी को फांसी की सजा सुनाता है तो ये बताता है कि आपने मर्डर किसका किया है, गुनाह किया है। हमें यही नहीं पता चलता कि हमने गलती क्या की है, हमारा गुनाह नहीं बताया। ये बता देते डीओ इवन एरर। अरे मैं कह दूंगा मोदी जी जाके छोले खा लो, उसमें मसाला कौन सा पड़ा ये भी तो पता होना चाहिए ना उनको। ये मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, बेवकूफ बना दिया यार इन्होंने पूरे देश का, सारा सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। हाँ वही तो, बेवकूफी तो बनाया इन्होंने। आज जो हम यहाँ आए हैं बेवकूफी तो बनाया इन्होंने। डिजिटल इंडिया कहाँ है? डिजिटल इंडिया हिंदू भी मजबूत हो रहा है, मुस्लिम भी मजबूत हो रहा है, ईसाई भी मजबूत हो रहा है, सब मजबूत हो रहे हैं। लोग अवेयर हो रहे हैं, अब अवेयर हो रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है डेली। रोजगार तो गया, हमने तो आज तक किसी मीडिया वाले पे सुना नहीं है कि महापुरुष है। मीडिया खुद चलाता है, खुद बताता है कि मोदी जी ये है, मोदी जी वो है। मुझे नहीं लगता किसी के मुंह से सुना होगा आपने।